यार कम प्राइस पे बकचोदी नहीं होती। अच्छा अच्छा सामने वाले को फाड़ दो, कम प्राइस पे बकचोदी तो होती नहीं है। प्राइस भी कम कराएगा और फिर ऊपर से ये करो वो करो। हाँ कैमरा दूर रख दो, आगे जाके दिखाओ, पीछे मुड़ के दिखाओ, नीचे झुक के दिखाओ, इनको पिछवाड़ा दिखाओ नीचे झुक के। अरे हद है यार, वो साला नीचे झुक के क्या मिल जाता है, कि आगे जाओ पीछे मुड़ो फिर झुको। कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। सबसे ज्यादा गजब तो वो लगता है अपने हाथ ऊपर उठाना, मेला भाई उठा लिए इनको, चाट लू मैं जल्दी, चाट साफ कर करता बदबू है। वो सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे। और क्या करें अब, तुम तो बैठे हो कुछ कर नहीं रहे, अपना हंसी लेते हैं, क्या करें। क्या करें तो हम हंसी के तो तुम भी टिकोगे, हम यू करके बैठ जाओ तुम तो मिनट में भाग जाओगे। हंस लो हंस लो तू हंस लो, पता नहीं नींद नाम से कितने लोगों को तो पता है। एक एक मेरे पास ये डांटेगा मेरे को, खेल रहा है ये, पर मैं बता दूं, सुनो ना। ये करे लड़कों का मजाक बना रहे। एक बंदे ने कॉल किया, बोलता है अपने पैर दिखा ना, मैंने दिखा दिए, फिर वो बोले दोनों पैर से जोड़ लो, मैंने जोड़ लिए, फिर उनके बीच में जगह बचती है ना, बोले इनके तो डाल दो। जल्दी ना पैर में बोलता है मेरे को ना डॉक्टर ने बताया है मैं, अरे क्योंकि ना स्टोन है वो टिका पड़ा है, वो इसमें डालने में निकल जो। अलग लेवल एक तरह तो मुझे हंसी आए, एक तरह वो डॉक्टर की बात कर रहा था। अब मैं चुप, वो था साउथ इंडियन, अब वहां उन लोगों को चलता है तो अब अरे यार नहीं तुम चुपचाप खेलो, मेरी बात मत सुनो नहीं तो मुझे म्यूट कर दो। अब बोलता है मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर ये बोला है, फिर उसने बोला है अपनी कोई सिस्टर होगी ना उसके पैर में डाल देना। अब सिस्टर को बोलते हुए तो मुझे शर्म आती है, वो साउथ इंडियन है उनके में चलता है कजिन के साथ में। तो बोलता है मैंने मेरी एक बाजू वाली आंटी थी, मुझे देख के उसको फीलिंग तो नहीं आ रही थी, फिर मैंने थोड़ा शर्म कर करके फिर उनको बोला। अरे ऐसे ही बोलते हैं ऐसे मेरे से वो। कि मेरी आंटी है सारे एक पड़ोस में ऐसे बात करते हैं मजा बहुत आती है, वो तो जो बकवास करते हैं ना सुननी होती है बहुत मजा आती है, हमें तो रिएक्शन देना होता है। फिर उसको बोला, फिर उसने बोली चल तेरे को परेशानी है तो मैं अपना पैर बंद कर लेती हूँ, फिर उनके पैर में डाला मैंने, फिर मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ, पर वो रहा स्टोन अभी अटका रह गया है, मैं आपके पैर में डाल दूँ, मैं डाल ले डाल। फिर ना एक बच्चे ने एक बार कॉल किया, मैंने उसका चेहरा तो देखा ही नहीं, मुझे बता, बोलता है आपके साथ में ना एक बात शेयर करनी है, कॉल कर ले। उसने कॉल कर लिया, फिर बोलता है मैं क्या करूं, मेरे पापा तो ना बाहर रहते हैं, मैं हाँ तो मेरी मम्मी का अफेयर चालू है मेरे ताऊजी के साथ में, और मेरी मम्मी ना बहुत सुंदर दिखती है और मेरे ताऊजी ना काले काले हैं, और और भी इंटरेस्टिंग सुनो आगे। और क्या और ना मम्मी को ऑफिस से ना ताऊ जी ही लेके आते हैं, आप बताओ मैं क्या करूं, मैं आ तो क्या करना था, कि फिर ना लेके आते हैं 5 बजे आते हैं, आते ही मम्मी अपना दरवाजा बंद कर लेती है,
फिर ना मैं दरवाजे के नीचे से देखता हूँ तो मम्मी ना रेड कलर का पर्स और रेड कलर की हील, खाली दो ही चीज होती है उनके हाथ में, और ना कपड़े तो होते ही नहीं है शरीर पे, और वॉक कर कर करके ताऊ जी को दिखाती है। कितना बड़ा था वो? मैंने कहा बहुत बड़ा, मुझे तो खाली सुनना था, मैं सुन रही थी, आवाज तो बच्चे की थी। मैंने कहा शक्ल देखी, मैं तो चुपचाप बैठी रही सुनती रही, पर चाहे तो उसकी होगा क्या, खाली सैंडल है रेड कलर की और रेड कलर का पर्स है। कल ले पैसे तेरे जा रहे, मेरे थोड़ी ना जा रहे, तू मैं ना बात करूंगी, कहीं और जाके गवा देगा उन पैसों को, मेरे पास ही गवा दे, मैं उसको क्या बोलती मैं क्या बोलती कभी कभी एक नेट याद है ना, छोटे छोटे लड़के आते कॉल करते घरवालों को ये पता नहीं हमारे बच्चे कर क्या रहे, बहुत छोटे छोटे। एक तो तुमको बताया था वो एक एक मिनट की करते हैं, वो तो अलग करते हैं। एक तो तुमको मैंने बताया था मोबाइल की शॉप से कर रहा था, वो मेरे मोबाइल की शॉप है, मैं रिचार्ज करता हूँ। भाई चाहिए जब मैं चला रहा तू रिचार्ज कर, जरा सा 10 साल का होगा बस, ऐसे ही आ रहे हैं, ये इतना कम कौन पूछता है। ये कैसा खेल रहे हो, हरियाणा भी क्या कर दिया, सब ऑफलाइन हो रहे मेरे, सब ऑफलाइन।